नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर द्वारा बाल उत्सव 2021 की प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आज किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर बालकोत्सव 2021 में अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर तक होना है। आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज के कार्यक्रम में नृत्य संगीत आदि की प्रस्तुति भी की गई। साथ ही साथ एसपी नितासा गुड़िया भी कार्यक्रम में मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि किलकारी बिहार बाल भवन को जमीन की परेशानी है, उसे जल्द मुहैया कराया जाएगा और जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उनसे गुर सीख कर अपने आप को निखार कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस प्रतियोगिताओं में पूरे प्रदेश में से लगभग 5,000 से 6,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री 27 नवंबर को किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर में बच्चों को पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण कर प्रोत्साहित करेंगे। राज्य सरकार की और राज्य सरकार के फंड से चलने वाली एक संस्था है और भागलपुर की जो किलकारी की टीम है लगातार अच्छा प्रयास कर रही है। शुभकामनाएं हम लोगों को, इसका अपना भवन और कैंपस तैयार हो जाए। जमीन को लेकर के कुछ समस्या है, हम लोगों का प्रयास है कि जल्द ही हम लोग कहीं इनको स्थल उपलब्ध करा दें ताकि भागलपुर के ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों की कमी है वो और बेहतर कर सके, कुछ अच्छा अपने स्किल को डेवलप कर सके। बहुत सारी विधाओं की ट्रेनिंग यहाँ होती है, तो ये हम लोगों का प्रयास है और इसको और बेहतर करने की हम लोग पूरी कोशिश करें।